मुरैना में एक शख्स ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। शख्स का कहना है कि उसकी बेटी 17 मई से लापता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शख्स ने गांव के ही एक युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। दरअसल पीड़ित अंधा है, उसकी 6 साल की बेटी उसे थाने लाती है। पीड़ित पिता अपनी बेटी को ढूंढने को लेकर चंबल रेंज के आईजी को भी आवेदन दे चुका है। मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों को लड़की की तलाश के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या जी है कि मेरे 12-13 साल की बच्ची गुम हो चुकी है। रात के 11-12 बजे पे अंधा हूँ मैं, मेरे को दिखता नहीं है, और मैं थाने में भी 2-3 बारी आ गया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं है, और मैं बहुत साल से यहाँ ही रुक रहा हूँ। और मैं अपनी अपनी गेहूँ काट के मजदूरी करने वाला आदमी हूँ सर, मेरे को बच्ची नहीं मिल रही है। मैंने आवेदन दिया है ग्वालियर आईजी के पास, और मेरी बच्ची को मेरी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई मेरी बच्ची के ऊपर नहीं हो रही है। देखिए, ये मैटर अभी थोड़ी देर पहले मेरे संज्ञान में आया है। किसी मीडिया के माध्यम से मुझे वीडियो देखने को मिला। यद्यपि वो व्यक्ति, उनका कहना है कि वो थाने गए हैं, थाना प्रभारी का कहना है कि उनके भी संज्ञान में अभी तक मैटर नहीं है, और एसपी ऑफिस भी वो व्यक्ति आए नहीं है। फिर भी वे थाना प्रभारी को बोला है कि वो जो भी व्यक्ति जिस भी एरिया में, उनसे संपर्क कर लें और उसके संबंध में तुरंत उसने अपराध पंजीबद्ध कराएं, क्योंकि अगर वो बच्ची 18 साल से कम उम्र की है तो उसमें 300 की कायमी होगी। हाँ, वो वही है, वो मुझे यही समझ नहीं आया कि वो जो है सीधे वहां ग्वालियर ले गए या उन्हें कोई ले जाया लेके गया है, लेकिन वो मुरैना नहीं आए हैं इसके अलावा, क्योंकि अधिकतर 80-90% जो भी शिकायत करता है वो मेरे पास ही आते हैं ऑफिस में, और इस तरह का जो सेंसिटिव मैटर होता है उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। पर चूंकि अब मैटर संज्ञान में आया है, वो पुलिस स्वयं कॉग्निजेंस लेके उसमें पूछताछ उस व्यक्ति को स्वयं बुला रही है और उसमें शीघ्र कार्रवाई है।